आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज टीवी में हूँ जहाजुद्दीन। इस्तकबाल करता हूँ आपका आज की खास न्यूज। खास तौर से आज एक ऐसी न्यूज में आपके लिए लाया हूँ जो कि लॉकडाउन के चलते सारे लोगों के कारोबार बंद थे। ऐसे में कई लोगों ने कोशिश की कि अपने कारोबार को कैसे भी शुरू रखा जाए लॉकडाउन में। जहां जब गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि आप ऑनलाइन होम डिलीवरी दे सकते हैं, ऐसे में होटल अल रहमान जो कि वंदेवी में स्थित है, उन्होंने होम डिलीवरी शुरू की। जितने भी ऐप होते हैं ऑनलाइन के, उनसे उन्होंने अपना राफ्ता कायम किया और ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। जहां ये होटल लॉकडाउन के दो महीने पहले 3.5 पे थी, वहीं लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन सर्विस के चलते ये आ गई 4.5 पे। कैसे आई और क्या उन्होंने किया, आइए जानते हैं उन्हीं से। नागपुर न्यूज स्टूडियो से मैं जहाजुद्दीन आज एक खास जगह आया हूँ, एक ऐसी खास जगह। लेकिन उससे पहले कुछ आपको बताना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि कुदरत का एक कानून होता है और वो कानून से कोई नहीं लड़ सकता। दोस्तों, देखा होगा आपने कभी जंगल में अगर आग लग जाए पूरा जंगल बर्बाद हो जाता है, लेकिन कुदरत का ये नियम है जहाँ कुछ लेता है तो कुछ देता भी है, वो जंगल फिर हरा भरा हो जाता है, खिलखिला जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे मुल्क में। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, काफ़ी लोगों के रोज़गार पर बहुत गहरा असर पड़ा है। ऐसे में मैं एक ऐसे शख्सियत से आज आपको मिलाने के लिए आया हूँ, एक ऐसा कारोबार जो कि फूड से रिलेटेड है। जहाँ सारे कारोबार बंद है हमारे देश में, कई जगह पर हमें कानून ने मोहलत और ये सहूलत दी थी कि हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, होम डिलीवरी हम लोग दे सकते हैं। मैं आया हूँ एक ऐसे होटल में जो नागपुर में बहुत कम समय में 3.2 पे थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनकी सर्विस, चाहे वो जोमेटो पे हो, स्विगी पे हो या उबेर पे हो, सारे ऑनलाइन सर्विसेज के रिकॉर्ड तोड़कर ये 4.2 पर पहुँची है। और इसका सारा दारोमदार, सारा कामयाबी जिन्हें मिली है वो शख्स है मिस्टर नदीम। जी हाँ, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। होटल अल रहमान में मैं आया हूँ और होटल अल रहमान जानी जाती है अपने स्वाद के लिए, अपने लजीज स्वाद के लिए। और ये स्वाद जहाँ हम लोग हैं, यहाँ से निकलकर पूरे नागपुर और नागपुर के इतराफ में जाना जाता है, उसका नाम है होटल अल रहमान। दोस्तों, मिलाते हैं उस इंसान से, उस शख्सियत से जिन्होंने बहुत कम समय में शिखर जो है, सफलता का शिखर छुआ है। ऐसे वो इंसान मेरे सामने बैठे हुए हैं, नदीम जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि IOBS एजेंसी की ओर से आपको सर्टिफाइड किया गया है। और ये सर्टिफिकेट जो मिलता है बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि इंडियन ऑनलाइन बिजनेस सर्वे एजेंसी जो कि पूरे शहर का सर्वे होता है, पूरे मुल्क का सर्वे होता है, इसमें कहाँ कहाँ क्या बिजनेस चल रहा सब सर्वे होता है। सर्वे होने के बाद काफ़ी लोग इसका मुआयना करते हैं, उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिलती है। और आपको इतने कम समय में ये सर्टिफिकेट मिल रही, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। और ये हमारे टेस्ट के ऊपर है, हमारा टेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी। हम लोग सारे चिकन में सारे नए नए डिशेस बनाते हैं, उसके वजह से ये हमारी जो सफलता है हमारी डिशेस की वजह से। होटल अल रहमान जो कि फ़िलहाल तो ये पीली नदी एरिया में वंदेवी हैं, यहाँ पर है। और आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं? अभी तो फ़िलहाल कोई ब्रांचेस नहीं है, लेकिन हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। स्विगी और जोमेटो पे कब से शुरू किया आपने बिजनेस? करीब एक साल हो गया। तो उसका भी जैसे ऑनलाइन आपको जो ऑर्डर आते हैं और जो फॉलोअप आप लोग लेते हैं, आपकी सर्विस के लिए जो है आपको जो इतना अच्छा प्रतिसाद मिला है, तो उस पर जो लोग ग्राहक आते हैं आपके यहाँ, तो मैंने ये भी सुना है कि बहुत जगह से लोग आते हैं। बिल्कुल, कहाँ कहाँ से आते हैं लोग? बहुत से आसपास के, नागपुर के जितने आसपास ज़िले हैं वहाँ से भी लोग आते हैं, आसपास के तालुके वहाँ से भी लोग आते हैं। और ये सारा कुछ हमारा टेस्ट लेके आता है उनको। टेस्ट की बात आपने की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि होटल अल रहमान के कुछ खास डिशेज आप बताएं जो जिसके लिए जायका, तो सारे चीज़ों का अच्छा है, लेकिन कुछ खास डिमांड करती होंगी ऑडियंस जो आते हैं, ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, वो क्या चीज़ ज़्यादा मांगते हैं? चिकन रहमान स्पेशल है हमारे पास, हमारे होटल के नाम से स्पेशल डिश है।
वो एक है चिकन कस्तूरी है, ऐसे और बहुत सारे आइटम हैं जिनकी वजह से लोग आते हैं यहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आपने बताई। बिरयानी की तो स्पेशल जो है, मैंने सुना है बिरयानी की डिमांड तो लोग ऐसे करते हैं कि खाते तो खाते हैं, साथ में पार्सल भी लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिरयानी के लिए हम लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, हमारी मेहनत है बिरयानी के ऊपर, जो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आपने स्टाफ कितने लोगों का रखा हुआ है? करीब 25 लोगों का स्टाफ है। तो लॉकडाउन में तो थोड़ा सा आपको स्टाफ में कम तरता करनी होगी। मतलब आधे लोगों को बुलाते और अल्टरनेट ड्यूटी देते हैं उनको, आज 12 लोग ने काम किया तो कल 12 लोग काम करेंगे। अच्छा अच्छा, है ना। आप यहाँ पर ये भी ध्यान रख रहे हैं कि अपने सर्वेंट जो है बेचारे उनको भी नुकसान ना होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों को कुछ दिन बुलाते हैं, ऑड इवन जैसा चला रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा चला रहे हैं। ये अच्छी बात मैंने देखी कि आपके कस्टमर जो भी आते हैं, क्योंकि आपके यहाँ हर शाम भीड़ लग जाती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छा ख्याल आपने रखा है जी। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आप अपने कस्टमर से कुछ कहना चाहेंगे? कस्टमर आइए, एक बार हमारा खाना टेस्ट कीजिए, उसके बाद में सारे रिव्यू आपके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको आना है, आपको यहाँ एक बार स्वाद ज़रूर चखना है और अपना रिव्यू ज़रूर देना है, क्योंकि ये आज पूरे विदर्भ में जाने जाने वाली एक लौती ये होटल है जिसे ये सर्टिफाइड मिला है। ये है होटल अल रहमान। देखा आपने कि ये थे होटल अल रहमान के प्रोपराइटर नदीम अंसारी साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने लॉकडाउन के चलते ही अपने कारोबार को शुरू रखा और कैसे कामयाबी उन्होंने पाई है। बने रहे मेरे साथ और देखते रहे आपका अपना न्यूज़ टीवी नागपुर न्यूज़।